बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वहां के हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे यहां कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली होना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के मंदिर और मूर्तियों के तोड़े जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि हर दिन बढ़ रही हैं। इस बीच हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा करीब आ रहा है, और ऐसे में बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने इस त्यौहार के खुले आयोजन का विरोध किया है। इन कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने ऐसी मांग रखी जो पूरी तरह से हिंदुओं के अधिकार का शोषण है। यहाँ इस्लामी समूह इस त्यौहार के दौरान देश भर में होने वाली छुट्टियों के भी खिलाफ है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा को मुसलमानों के लिए परेशानी बताते हुए त्यौहार पर छुट्टी को खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच कई इलाकों में मंदिरों और मूर्तियों के तोड़े जाने की भी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चरमपंथी समूहों ने ढाका में एक मार्च निकाला, जहां हिंदू समुदाय लंबे समय से एक मैदान में दुर्गा पूजा मनाते आ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुर्गा पूजा मनाने के लिए 5 लाख बांग्लादेशी टका की मांग की जा रही है, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3,50,000 होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान किमकारी छात्र जनता नामक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में बांग्ला भाषा में तख्तियां थी, जिन पर लिखा था, सड़कों को बंद कर पूजा नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन से पानी का प्रदूषण नहीं होगा और मूर्तियों की पूजा नहीं होगी। इसके साथ ही सरकारी राहत कोष का उपयोग त्योहारों पर नहीं करने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए मुस्लिम संगठनों ने सभी मंदिरों में भारत विरोधी बैनर और नारे लगाने के लिए कहा गया है, ताकि हिंदू नागरिक बांग्लादेश के प्रति अपनी वफादारी और अपनी भारत विरोधी भावनाओं को साबित कर सके। आए दिन होने वाली मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों को नष्ट करने की घटनाओं से हिंदू समुदाय की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बांग्लादेश में करीब 8% लोग हिंदू समुदाय के हैं, ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन से हिंदू समुदाय में तनाव बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, लेकिन फिर भी तनाव बना हुआ है। शेख हसीना के सत्ता हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।